एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और मोदी को उनका बेतुका फरमान वापस लेने को मजबूर कर दिया। पैसों की लालची भाजपा ने 140 करोड़ भारतीयों को चोट पहुंचाने के लिए गंगा जल जैसी पवित्र चीज पर 18% जीएसटी लगाया था। बाद में कांग्रेस के लगातार दबाव बनाने से मोदी सरकार ने अपना शर्मनाक फैसला वापस ले लिया। अब एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। इतना सब कुछ होने के बाद बीजेपी और उसके आईटी सेल के ट्रोल्स कह रहे हैं कि सरकार ने गंगा जल पर कभी जीएसटी लगाया ही नहीं। इसका सबूत 18 अगस्त को इंडिया पोस्ट का वो ट्वीट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि गंगा जल मंगाने पर 18% जीएसटी लगता है। मत भूलिए, ये वही मोदी सरकार है जो गंगा माँ के नाम का इस्तेमाल कर वोट के लिए लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती है। और आज इसी मोदी सरकार ने माँ गंगा के जल पर भी टैक्स लगा दिया। इससे घटिया सोच क्या हो सकती है, जिसने माँ गंगा को भी नहीं बख्शा। जो कहते थे कि उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है, वे आज गंगा जल पर जीएसटी वसूलने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। वैसे बीजेपी आदतन मजबूर है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने मोदी सरकार को तानाशाही फैसला बदलने पर मजबूर किया है। काले कृषि कानून सबसे बड़ा उदाहरण है, जब मोदी सरकार अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लेकर आई थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव के आगे उसे घुटने टेकने पड़े थे। मोदी सरकार के गंगा जल पर जीएसटी वापस लेने का फैसला केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भी जीत है, जिनके लिए माँ गंगा एक आस्था और विश्वास का प्रतीक है।